काम था बेतुल मुकद्दस की तामीर का। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को सख्ती के साथ मुसख़्खर किया और वो आपके सामने मजदूरी करने लगे। आप उनकी निगरानी करते थे। जिन्नातों के दिलों में आपका बहुत ज्यादा खौफ था। आप उन्हें सुस्ती करने पर सख्त सजा देते थे। उस वक्त आपकी उम्र 150 साल थी। आपने अपना आसा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह से उन जिन्नातों की निगरानी करते रहे। इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली, लेकिन आपकी आंखें खुली रही। उधर जिन मुसलसल काम में लगे रहे, यही ख्याल करते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा है और हम पर नजरें टिकाए हुए हैं, हमको देख रहे हैं। आपका खलीफा आया तो जान गया कि आप इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन आपने भी जिन्नातों पर जाहिर नहीं होने दिया। इसी तरह से 2 साल का अरसा गुजर गया। इस कदर सख्त निगरानी पर जिन्नात हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान ने हरकत नहीं की, पलक तक नहीं झपकाई। उधर दीमक को अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के आसा पर मुसल्लत कर दिया। वो अंदर ही अंदर लाठी को खोखला करते रहे। आखिरकार लाठी टूट गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए।